तो तुम लोग आज ये एथिकल हैकिंग इसका पहला सेशन और अब इसमें आज का सेशन तो हम लोग थियोरेटिकली रखेंगे, उसके बाद से फिर नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स प्रैक्टिकल भी होगा। तो जो पहला टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग। तो जब हम बात करते हैं हैकिंग की या एथिकल हैकिंग की, तो तुम लोगों के हिसाब से हैकिंग क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हैकिंग? किसी का डाटा में एंटर करना, पर्सनल डाटा में एंटर करना। हेलो, हेलो जी, किसी के पर्सनल डाटा में एंटर करना, किसी के पर्सनल डेटा को क्या में करना? एंटर करना, डेटा में एंटर करना या अच्छा, चुराना। डेटा चुराना। ओके, ठीक है। तो बेसिकली हैकिंग की सबसे सिंपल डेफिनेशन क्या होती है? अनऑथराइज एक्सेस करना, या अनऑथराइज जो है इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है इस टर्म की। अनऑथराइज एक्सेस करना है किसी के भी सिस्टम को या नेटवर्क को या किसी और डिवाइस को। उसमें डिवाइस में फिर तुम क्या करते हो, ऑफ कोर्स वो तो डिपेंड करता है, बट मेन यहाँ पे जो पॉइंट है वो मैं ये कह रहा हूँ कि अनऑथराइज्ड होता है ये एक्सेस। ठीक है, तो मतलब कि मेरे को परमिशन नहीं है किसी के सिस्टम को एक्सेस करने की, और तब भी मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, तो वो होती है हैकिंग, सबसे सिंपल उसकी डेफिनेशन। फिर अगर मैं आता हूँ इस बात पे कि एथिकल हैकिंग क्या होती है, तो इस एथिकल हैकिंग मतलब कि यहाँ पे मेरे पास प्रॉपर परमिशन है, रिटन परमिशन। ठीक है, वो मतलब किसी ने बोल दिया कि हाँ हैक कर लो, उससे कुछ नहीं होता, रिटन परमिशन का ही उसी की वैल्यू होती है, सिर्फ बोलने से नहीं हो माना जाता। तो रिटन परमिशन अगर मेरे पास प्रॉपर है, मतलब मैं ऑथराइज्ड हूँ कि किसी के सिस्टम को हैक करने की कोशिश करना है मेरे को। एथिकल हैकिंग इज आई एम ऑथराइज्ड, आई हैव प्रॉपर रिटन परमिशन, और तब मैं उस सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहा हूँ। और दोनों में जो है, दोनों का पर्पस डिफरेंट होता है। ठीक है, हैकिंग अगर सिंपली कोई चीज हैक कर रहा है कोई, तो मतलब कुछ नेगेटिव उसका पर्पस है, कुछ डेटा चुराना है या पैसे चुराने हैं या कुछ खराब करना है, कुछ भी इस तरह का हो सकता है। तो एथिकल हैकिंग का पर्पस ये होता है कि ये देखना कि किसी डिवाइस को अगर कोई अटैकर हैक कर रहा है तो वो किस तरह से हैक कर सकता है, और इस बेसिस पे फिर उस डिवाइस को सिक्योर करना। ठीक है, तो दोनों का पर्पस, दोनों का इंटेंशन भी अलग होता है। और हैकिंग में अनऑथराइज्ड एक्सेस हो रहा है, एथिकल हैकिंग में ऑथराइज्ड एक्सेस है। तो ये मेन डिफरेंस है, ये चीज क्लियर है सबको? यस सर, यस 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 सर। सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मैं एक अपनी जो स्क्रीन है वो शेयर करूंगा, अगर नहीं दिख रहा हो तो बता देना। ठीक है, अभी शेयर करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैंने स्क्रीन शेयर की है, ये विजिबल है सबको? यस ओके, ठीक यस सर, है, किसी को भी अगर दिक्कत आ रही है, विजिबल नहीं है तो बता देना। ठीक ओके सर। है, अब इसमें अब इंट्रोडक्टरी जो
पार्ट है, उसमें हम कुछ डेफिनेशंस वगैरह डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले तो हमने हैकिंग और एथिकल हैकिंग की बात की, ठीक है। फिर कुछ एक होता है CIA ट्रायड। जब भी हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो साइबर सिक्योरिटी के बहुत बेसिक तीन एलिमेंट्स माने जाते हैं, CIA ट्रायड कहा जाता है उनको। क्यों कहा जाता है? कि CIA और A तीन उनके इनिशियल्स हैं, तो उसको याद करना आसान हो जाता है CIA ना के नाम से अगर मैं उसको लिखूं। तो तीन एलिमेंट्स जो है वो तो क्या है? सबसे पहला है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब कि अगर डेटा मेरा है तो मैं तो ऑथराइज्ड हूँ उस डेटा को यूज करने के लिए, मेरा डेटा है। लेकिन कोई और जो ऑथराइज नहीं है उस डेटा को एक्सेस करने के लिए, उसको वो डेटा अवेलेबल नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे मान लो बैंक अकाउंट का हम लोग बात करें। नेट बैंकिंग आजकल बहुत कॉमन हो गई है, हर कोई यूज़ करता है। तो मेरा जो बैंक अकाउंट का डेटा है वो, क्योंकि मेरा अकाउंट है मेरे को तो एक्सेस होना चाहिए उसका, लेकिन तुम्हें या किसी और को उस चीज़ का एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, की डेटा कॉन्फिडेंशियल है। मतलब जिसको वो बिलोंग कर रहा है डेटा, जो उसका ओनर है, उसके अलावा अगर कोई ऑथोराइज नहीं है तो किसी और को एक्सेस नहीं मिलना चाहिए डेटा का। इस चीज़ को कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। फिर है इंटेग्रिटी, कि डेटा में अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो वो सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर ही करें, कोई अनऑथराइज्ड यूजर या कोई भी अलग से थर्ड पार्टी उस डेटा को चेंज ना करे। अगेन अगर मैं दोबारा से बैंक अकाउंट का एग्जांपल लेता हूँ, तो अब मान लो कुछ चेंज होता है, जैसे मेरा नंबर चेंज हुआ या एड्रेस चेंज हुआ, तो मैं उसको अपडेट कर सकता हूँ अपने अकाउंट डिटेल्स में जाके, लेकिन कोई और इस चीज़ को अपडेट करे ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब किसी और को ये एबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि वो मेरा डेटा बिना किसी ऑथराइजेशन के चेंज कर पाए। इस चीज़ को कहते हैं इंटेग्रिटी। एंड तीसरी जो चीज़ है दैट इज़ अवेलेबिलिटी, कि डेटा शुड बी अवेलेबल जब भी उसकी ज़रूरत है। मतलब अगर मेरे को यूज़ करना है, मेरा डेटा मेरे को अवेलेबल होना चाहिए, मेरे पास मिलना चाहिए मेरे को। दोबारा से अगर अपना अकाउंट का ही एग्जांपल लें, तो अब मान लो मेरे को यूज़ करना है, कुछ ट्रांजैक्शन करनी है ऑनलाइन, कुछ बैंक में काम करना है, लेकिन सर्वर डाउन है बैंक का। तो इन दैट केस क्या हुआ कि जो अवेलेबिलिटी है डेटा की वो नहीं रही। मेरे को यूज़ करना है डेटा लेकिन सर्वर डाउन चल रहा है बैंक का, तो मैं उसको यूज़ नहीं कर सकता। तो इन दैट केस क्या होगा कि मैं कह सकता हूँ अवेलेबिलिटी जो है डेटा की वो मेंटेन नहीं है। जब भी मैं कहता हूँ कि डेटा सिक्योर है, मतलब ये तीन चीजें मेंटेन रहनी चाहिए, डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। तो सी फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, आई फॉर इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी। तो इसलिए इसको ताकि आसानी से याद रख सको, उसलिए CIA ट्रायड के नाम से कहा जाता है। ठीक है, अब दोबारा से अगर मैं हैकिंग की बात करूं, तो टाइप्स ऑफ हैकर्स, मतलब अलग अलग तरह के हैकर्स होते हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशन होती हैं हैकर्स की। तो किसी ने सुनी है कोई भी क्लासिफिकेशन हैकर्स की? सर व्हाइट हैट, व्हाइट हैट हैकर, ब्लैक व्हाइट हैट, ब्लैक हैट और ग्रे हैट। अच्छा, और तीनों के बीच डिफरेंस बता सकते हो क्या होता है? सर व्हाइट हैट वो होगा जो ऑथराइज्ड होते हैं, जैसे कि हम एथिकल हैकिंग वाली बात कर रहे हैं। ओके, हेलो, ब्लैक हैट, हां ब्लैक हैट वो होगा जो सर बिल्कुल ही अनऑथराइज्ड होता है, मतलब उसके बिल्कुल इलीगल। इलीगल, हां ठीक है। और ग्रे हैट का डिफरेंस मेरे को नहीं पता। अच्छा ठीक है, तो ब्लैक हैट मिक्स ऑफ व्हाइट हैट एंड ब्लैक हैट करता है। सब मिक्स से कह रहे हो। तो ब्लैक हैट जो है इलीगल काम जो करते हैं, मतलब जो क्रिमिनल हैकर्स होते हैं, जो तुम सुनते होंगे न्यूज में कभी कभी, कोई डेटा ब्रीच हुआ, लोगों के डिटेल्स लीक हो गए, पासवर्ड्स लीक हो गए लोगों के, हैकर्स ने क्या चीज अमेरिका में हुआ है अभी डेटा लीक, और वो अभी डेटा लीक तो
काफी कॉमन है। अभी तो एक रैंसमवेयर अटैक हुआ है काफी रिसेंटली, जो मेजर वहां पे इशू कर रहा है। तो अटैक्स अगेन, तो इस तरह के एसला करते हैं वो सारे ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, क्योंकि ये जितने भी ये इलीगल जो काम कर रहे हैं उनको ब्लैक हैट कहा जाता है। ठीक है, कब जो भी न्यूज़ आती है कि हाँ ये इस तरह से अटैक हुआ, ये अटैक हुआ, वो अटैक हुआ, मतलब जितना भी साइबर क्राइम्स होते हैं सारे ब्लैक हैट हैकर्स करते हैं। फिर वाइट हैट, अगेन जो चीज़ मेंशन की थी तुमने कि एथिकल हैकर्स होते हैं वाइट हैट, तो दैट इज़ करेक्ट, एथिकल हैकर्स वाइट हैट हैकर्स कहा जाता है उनको। और ग्रे हैट मतलब मिक्सचर इन द सेंस कि अगर कोई ऐसा है जो एट सम पॉइंट ब्लैक हैट वाले भी काम कर रहे हैं और एट अदर टाइम्स वो वाइट हैट की तरह भी काम कर रहा है, तो इस तरह के हैकर को ग्रे हैट हैकर्स कहा जाता है। तो ये तीन तो क्लासिफिकेशंस काफी कॉमनली, मतलब सब जब हैकर्स की बात करते हैं तो ये तीन क्लासिफिकेशंस मेनली डिस्कस की जाती हैं। और भी तरह के हैकर्स होते हैं, उनको भी देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। एक टर्म होती है स्क्रिप्ट किडी। स्क्रिप्ट किडी मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा हैकर ही बोल सकते हो चलो, जो मतलब सिंपली क्या कर रहा है, दूसरे बनाए हुए पे काम कर रहा है। हाँ दूसरे के बनाए हुए टूल्स यूज कर रहा है, स्क्रिप्ट्स यूज कर रहा है, उसको ये समझ नहीं आ रहा कि वो जो टूल्स यूज कर रहा है उस एक्चुअली काम कैसे कर रहा है, क्या हो रहा है। बस वो कुछ उसने देखा कि टूल है और वो उसको कहीं ना कहीं यूज़ कर रहा है हैकिंग के लिए, उसको कहते हैं स्क्रिप्ट किडी। मतलब वो बिना सोचे समझे बस टूल्स यूज़ कर रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, उसको पता नहीं है क्या करना है, बस ऐसे ही टूल यूज़ कर रहा है। इस तरह के हैकर को कहते हैं स्क्रिप्ट किडी। ये तो कभी भी स्क्रिप्ट किडी वाले काम नहीं करने, अगर कुछ भी कर रहे हो उसको अच्छे से सोच समझ के करना है। फिर आता है स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स। स्टेट स्पॉन्सर्ड, स्टेट मतलब यहाँ पे कि गवर्नमेंट की बात हो रही है, जैसे जो हैकर्स गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं। और यूजली ये लोग क्या करते हैं कि जैसे अगर एक कंट्री के लिए ये लोग काम कर रहे हैं तो बाकी फिर दूसरी कंट्रीज के गवर्नमेंट्स पे ये लोग स्पाई करेंगे या उनका कुछ काम बिगाड़ेंगे, उनका डेटा हैक करेंगे, उसको कहते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स। ठीक है, तो वो होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयड, गवर्नमेंट ने उनको काम पे लगाया होता है। फिर नेक्स्ट जो कैटेगरी है साइबर टेररिस्ट। अब जैसे टेररिस्ट बेसिकली क्या होता है, जो डर फैलाना चाहता है लोगों में कुछ करके। साइबर टेररिस्ट वो होता है जो लोगों में डर फैलाना चाहता है साइबर अटैक्स करके, क्योंकि बहुत ही बड़े स्केल पे कोई अटैक किया, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं किसी एरिया में कोई बड़े स्केल पे ऐसा अटैक हुआ कि कोई सर्विस वहाँ पे लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे, या मान लो जैसे पावर ग्रिड डिसेबल हो गई किसी हैकर ने करी, तो इस तरह के काम यूजली साइबर टेररिस्ट करते हैं, जिससे कि लोग पैनिक हो जाएं या लोगों के काम ढंग से ना हो पाए, तो वो अपना इस तरह से वो लोग पैनिक डर फैलाते हैं लोगों में। इस तरह के जो हैकर्स हैं उनको साइबर टेररिस्ट कहा जाता है। फिर होते हैं सुसाइड हैकर्स। जैसे एक टर्म होती है सुसाइड बॉम्बर्स की, वैसे ही सुसाइड हैकर्स, मतलब उनको ये है कि अपना कोई कुछ जो भी रीजन है, जो भी मोटिवेशन है उनकी, अपना वो कहते हैं कि हम किसी कॉज के लिए कर रहे हैं, कोई हमारा वो है तो उसके लिए वो हैक करते हैं, और उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, क्या रिजल्ट्स होते हैं। मतलब हो सकता है उनको जेल जाना पड़े, बहुत भारी फाइन्स देनी पड़े, उनको फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है। उस अपना मतलब जो भी हैक किया उसका रिजल्ट क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, उनको क्या पनिशमेंट मिल रही है, उससे वो कंसर्न है ही नहीं, उनको बस अपना वो हैक करना है सिंपली। और जो भी अपना कॉज है वो कह रहे हैं कि उनका ये होता है हम अपने कॉज के लिए करेंगे।
इस तरह के हैकर्स को सुसाइड हैकर्स कहा जाता है। फिर आते हैं हैक्टिविस्ट। हैक्टिविस्ट क्या हुआ, मतलब एक्टिविस्ट जो हैकिंग के थ्रू अपना जो भी एजेंडा है वो प्रमोट करते हैं, पॉलिटिकल एजेंडा या जो भी एजेंडा है उनका, वो हैकिंग के थ्रू करते हैं। और कॉमनली ये लोग हैक क्या करते हैं कि जैसे वेबसाइट्स को डिफेस कर देते हैं, मतलब वेबसाइट हैक करते हैं और जो भी उस वेबसाइट पर जाएगा उसको फिर कुछ इस तरह का मैसेज दिखाएगा कि दिस वेबसाइट इज़ नाउ हैक्ड, और इस तरह से कुछ ना कुछ दिखेगा। तो अनोनिमस का नाम सुना किसी ने? अनजान जो हैकिंग ग्रुप है उसकी बात कर रहा हूँ। अनोनिमस नाम का एक बहुत पॉपुलर ग्रुप है, यूएस में उनका ओरिजिन है। तो वो लोग हैक्टिविस्ट हैं। अगर तुमने उनके बारे में नहीं सुना हुआ, एक बार जाके इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च भी करके देखना, उनके बारे में पता चलेगा। वो लोग हैक्टिविस्ट हैं, क्या करते हैं कि यूजली गवर्नमेंट जो है उनके अगेंस्ट उनका वो लोग एक्टिविज्म करते हैं। और क्या करते हैं वो लोग, जैसे गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट ली, उसको हैक किया, जो भी उस वेबसाइट पर जाएगा उसको फिर इनका वो मैसेज दिखाएगा, दिस वेबसाइट हैज बीन हैक्ड बाय अनोनिमस, और इस तरह से कुछ ना कुछ वहाँ पे वो लोग मैसेज डाल देंगे। तो अब इनका जो है हैक्टिविस्ट का, ये डायरेक्टली नुकसान नहीं पहुँचाते, मतलब नॉर्मली बाकी तरह के हैकर्स का क्या है कि वो लोग कुछ ना कुछ करके, जैसे मान लो वेबसाइट खराब कर दी, वेबसाइट में से डेटा चुरा लिया, कुछ पैसे चुराए, कुछ ना कुछ इस तरह का किया, तो ये लोग डायरेक्टली यूज़र्स को नुकसान नहीं पहुंचाते कभी भी। जो भी वेबसाइट को यूज़ कर रहा है उसको कोई नुकसान नहीं होगा, बस वेबसाइट को डिफेस कर देते हैं ताकि जो भी जाएगा वहाँ पे उसको इनका मैसेज दिखेगा। इसके इससे आगे ये लोग कुछ नहीं करते, मतलब लोगों का, नॉर्मल जो यूजर्स हैं उनका ये लोग कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। तो ये जो सारी क्लासिफिकेशंस हैं, इसमें से किसी को कोई भी क्वेश्चन है, कुछ अगर नहीं क्लियर हुआ हो तो पूछ लो, दोबारा से देख लेंगे। नहीं? ओके, नो सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर थोड़ा। तो ये तो हमने बात की अभी टाइप्स ऑफ हैकर्स की, अब कुछ और आगे आते हैं, फेजेस ऑफ हैकिंग। देखिए, कोई भी चीज़ हम करते हैं प्रॉपर, उसमें स्टेप्स फॉलो करते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप होती हैं चीज़ें। तो हैकिंग में भी सेम है, प्रॉपर एक प्रोसीजर फॉलो होता है, प्रॉपर स्टेप्स फॉलो होते हैं। तो इन स्टेप्स को हम फेजेस भी कहते हैं। हैकिंग और एथिकल हैकिंग दोनों में मतलब ये चीज़ सेम रहती है, ठीक है, चाहे फेजेस ऑफ हैकिंग कह लो इसको या फेजेस ऑफ एथिकल हैकिंग कह लो, एक ही बात है। तो फेजेस या स्टेप्स ये क्या क्या होते हैं, सबसे पहला होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग, इसको फुटप्रिंटिंग भी कहा जाता है। तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग में या फुटप्रिंटिंग में हम क्या करते हैं कि जो भी मेरा टारगेट है, जिसको भी हैक करना है मुझे, उसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन मेरे को मिल रही है, ठीक है, जो जो जितनी भी मेरे को इंटरनेट पे उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, मैं सारी कलेक्ट करूँगा, सारी गैदर करूँगा। क्योंकि अगर मैं अपने टारगेट के बारे में कुछ जानता ही नहीं हूँ, मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो हैक तो मतलब करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो सबसे पहला काम होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। कहीं भी जाओ, जैसे सोशल मीडिया पे जाओ, उनकी वेबसाइट पे जाओ, और भी कई टूल्स और वेबसाइट्स होते हैं यूज, जो अपन कवर करेंगे कैसे होता है। तो मेनली जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाए उतना अच्छा है, उतना ही आगे का जो काम है वो आसान हो जाता है। तो
सबसे पहला काम होता है ये। उसके बाद आता है स्कैनिंग, मतलब पहले फेज में जैसे हमने इंफॉर्मेशन गैदरिंग में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी, काफ़ी चीज़ें हमें पता चली अपने टारगेट के बारे में और अब हम क्या है थोड़ा और टेक्निकल डिटेल्स ढूंढ रहे हैं इसमें। तो टेक्निकल डिटेल्स जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इंफॉर्मेशन गैदरिंग जब मैंने करी तो मुझे आईपी एड्रेसेस मिले। अब उन आईपी एड्रेसेस से रिलेटेड और इंफॉर्मेशन मैं ढूंढूंगा, जैसे सिस्टम है आईपी मेरे पास है उसका, उस सिस्टम पे कौन से पोर्ट्स ओपन है। पोर्ट्स मतलब यहाँ पे जो नेटवर्क पोर्ट्स हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ, फिजिकल पोर्ट्स नहीं, नेटवर्क पोर्ट्स कौन से ओपन हैं, उन पोर्ट्स पे क्या सर्विसेज चल रही हैं, क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं, कोई प्रोग्राम अगर है उसका कौन सा वर्जन चल रहा है, एग्जैक्टली कौन सा सॉफ्टवेयर वहाँ पे चल रहा है उसके बारे में, और अगर मुझे पता चल पाता है तो कितने यूजर्स हैं उसमें। अगेन डिपेंडिंग ऑन क्या सर्विस है क्या चल रहा है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है थोड़ा सा और हम टेक्निकल हब इन डेप्थ जाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन हम लोग निकाल रहे हैं सिस्टम्स में से। तो अलग अलग तरह के हम स्कैन्स उस पर चलाते हैं, इस फेज को कहते हैं स्कैनिंग। अब जब स्कैनिंग मैंने कर ली तो बाय द एंड ऑफ स्कैनिंग बाय द एंड ऑफ दिस फेज मेरे को एक अच्छा खासा आइडिया हो गया, मेरे पास एक अच्छा खासा जो है आउटलाइन है कि मेरा टारगेट जो है उसकी क्या क्या टेक्निकल डिटेल्स हैं और मैं उसको कैसे हैक कर सकता हूँ, कैसे आगे अप्रोच कर सकता हूँ मैं। तो इस इन्फॉर्मेशन को लेके मैं नेक्स्ट फेज में जाता हूँ, गेनिंग एक्सेस। गेनिंग एक्सेस मतलब इसमें अब एक्चुअली मैंने हैक किया सिस्टम को, ठीक है, अब मेरे को एक्सेस मिल गया टारगेट सिस्टम का, हैक किया उसको कहते हैं गेनिंग एक्सेस। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग और स्कैनिंग से जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली उसके बेसिस पे मैंने सिस्टम हैक कर लिया। अब फिर आता है मेंटेनिंग एक्सेस कि अभी के लिए तो मैंने एक्सेस किया एक बार हैक करके, पर मान लो फ्यूचर में भी मुझे एक्सेस करना है तो मैं सिस्टम में किसी तरह का बैकडोर डाल लूँगा। और बैकडोर मतलब ऐसा कुछ होता है जिससे कि मुझे मैं दोबारा से उसको आराम से एक्सेस कर पाऊँ बिना ऑफकोर्स ओनर को पता लगे कि मैंने एक्सेस किया है, और उस एक्सेस करने के लिए मुझे दोबारा से पूरा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग स्कैनिंग ये सब पूरा नहीं करना पड़ेगा, सिंपली मैं उस बैकडोर के थ्रू ही दोबारा से सिंप उसको एक्सेस कर लूँगा सिस्टम को। इसको कहते हैं मेंटेनिंग एक्सेस। और फाइनल स्टेप होता है क्लियरिंग ट्रैक्स, मतलब कि हैक तो कर लिया लेकिन अब ये भी तो ज़रूरी है कि सामने वाले को पता ना चले कि कैसे, कि मतलब कैसे नहीं कि मतलब सिस्टम हैक हुआ है, जिसका सिस्टम हैक हुआ है उसको पता नहीं चलना चाहिए ना, वरना फ़ायदा क्या है अगर उसने पकड़ लिया तो। क्लियरिंग ट्रैक्स मतलब एक तरह से उसको कह सकते हो सबूत मिटाना कि मैंने सिस्टम हैक किया था, इसका कोई एविडेंस नहीं रहना चाहिए, इसका कोई ट्रेस रहना ही नहीं चाहिए कि वो सिस्टम हैक हुआ है, तो उसको कहते हैं क्लियरिंग ट्रैक्स। यानी कि सबूत मिटाना। और एक्चुअली ऐसा होता भी है कि ट्रैक्स क्लियर करते हैं तो जो सिस्टम्स हैक होते हैं ओनर्स को नहीं पता चल पाता कि सिस्टम हैक हुआ है, ठीक है। इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जहाँ पे हैक्स होते हैं तो उनको महीनों तक पता ही नहीं चलता कि सिस्टम हैक हुआ है, ठीक है, कई कई महीनों बाद पता चलता है। एवरेज टाइम मतलब हैक होना और हैक पता चलने के बीच में एवरेज टाइम अराउंड 6 मंथ्स है। तो अब ये इसीलिए है क्योंकि लोग एविडेंस रखते ही नहीं है कि सिस्टम हैक हुआ है, एंड इवन अगर कुछ रह भी जाता है तो इन अ लॉट ऑफ केसेस उसको इग्नोर कर देते हैं काफ़ी लोग, इसलिए बहुत ही देर लग काफ़ी देर लग जाती है ये पता लगने में कि सिस्टम हैक हुआ है।
तो ये है फेजेस, इसमें कोई क्वेश्चन? सो व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आर वी लुकिंग फॉर? What type of information? Okay. Yeah. Suppose we are doing a hacking for a website or a company. Yeah. Company. Okay. So like we are trying to attack on their server, and what information are we looking for? Except like opening port, IP address, what software, what version, and all those. Other than that. Other than that. Okay. तो ऑफ कोर्स ये टेक्निकल डिटेल्स जो तुमने बताई ये तो हमें चाहिए, आईपी वगैरह ये सब तो चाहिए ऑफ कोर्स। फिर वेबसाइट अगर है तो वेबसाइट किस टेक्नोलॉजी पे बनी है, वेबसाइट में क्या क्या यूज़ हुआ है। उसके अलावा फिर अगर ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मैं टारगेट कर रहा हूँ, तो मैं सोशल मीडिया पर जाऊँगा, देखूँगा उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं। तो एक टेक्निक होती है, एक अटैक टेक्निक होती है सोशल इंजीनियरिंग। इससे फैमिलियर है कोई सोशल इंजीनियरिंग से? यस सर। यस सर। ओके, तो बता सकते हो क्या होता है? सर, इंफॉर्मेशन थ्रू द सोशल मीडिया, लाइक न्यूज़पेपर आर्टिकल हो सकते हैं, ब्लॉग्स हो सकते हैं, आपकी वेबसाइट से हो सकता है इंफॉर्मेशन, बट आई मीन ग्रुप्स, ग्रुप से हो सकता है। नहीं, उसको सोशल इंजीनियरिंग नहीं कहते हैं, सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं इस चीज़ को कि मैंने किसी को मैनिपुलेट किया, किसी को कन्विंस किया कि मुझे वो ऐसी इंफॉर्मेशन दे दे जो नॉर्मली उसे किसी को देनी नहीं चाहिए। ठीक है, जो तुम एग्जांपल दे रहे हो कि सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन ली, वो तो नॉर्मल उसको फुटप्रिंटिंग के अंडर ही आता है। वो सोशल इंजीनियरिंग इज कि मैंने किसी को कन्विंस कर दिया कि मुझे ऐसी इंफॉर्मेशन दे दे जो सेंसिटिव कुछ या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जो उसे किसी को देनी नहीं चाहिए। तो ये भी अगेन दिस इज सेपरेट, एक पूरा टॉपिक है जो हम कवर करेंगे सोशल इंजीनियरिंग। बट सोशल इंजीनियरिंग जो है, अब मुझे इसमें करना क्या है, सामने वाले को कन्विंस करना है मुझे इंफॉर्मेशन देने के लिए। उसके लिए मुझे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए पहले से। तो जैसे मैं ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट कर रहा हूँ, तो मैं सोशल मीडिया पे जाके देखूंगा उनके बारे में, उनके एम्प्लॉयज़ के सोशल मीडिया प्रोफाइल्स देखने की कोशिश करूँगा। हिमांशु, हाँ कुछ कहना चाह रहे? नो सर, नो सर, नो सर, आई वाज जस्ट चेकिंग समथिंग एट इनोजी। ओके, तो उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके सोशल मीडिया पे देखूंगा वहाँ पे। अब जैसे क्या होता है आज की डेट में, सबको आदत है सोशल मीडिया पे हर तरीके की इंफॉर्मेशन डालते हैं। ठीक है, सब कुछ भी, कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई इवेंट हुआ। अब जस्ट वेरी पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लो कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट कर रहा हूँ, मैंने उनका किसी एम्प्लॉय का सोशल मीडिया पेज देखा। ठीक है, और जैसे फेसबुक या लिंक्डइन कहीं भी, तो उसने क्या कोई इवेंट हुआ था और उसकी फ़ोटो डाल रखी है। अब मैं, ठीक है, मुझे उस इंसान की फ़ोटो का कुछ नहीं करना, बट फोटो में और क्या डिटेल्स मुझे मिल सकते हैं? हो सकता है बैकग्राउंड में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हो। अब मेरे को मान लो किसी वेंडर का नाम पता चल गया जो उस कंपनी से टाई अप करता है, तो मैं सोशल इंजीनियरिंग जब कर रहा हूँ तो मैं वो इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकता हूँ। मैं मतलब किसी को कॉल कर रहा हूँ कंपनी में, और मैं बोलूँगा कि हाँ मैं उस वेंडर की कंपनी से बोल रहा हूँ, वो मुझे इस तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ ज़रूरी काम है। तो इस तरह से अगर मैं इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा हूँ और ऑलरेडी मैंने कुछ रिसर्च की है, तो सोशल इंजीनियरिंग जो मेरा अटैक है वो दैट इज़ मच मोर लाइकली टू बी सक्सेसफुल। ठीक है, टेक्निकल डिटेल्स तो इसलिए हम लेते ही हैं, साथ में लोगों के बारे में भी डिटेल्स हम लेते हैं। ठीक है, और हाँ, किस तरह से क्या टेक्निकल डिटेल्स लेंगे वो तो जो ये टॉपिक हम कवर करेंगे उसमें देखेंगे। बट देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हम सोशल मीडिया से ले सकते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो और टूल्स और वेबसाइट्स यूज करके ली जाती हैं। तो अगेन डिपेंडिंग ऑन किस तरह की इंफॉर्मेशन मैं देख रहा हूँ,
जो टूल और टेक्निक इन्वॉल्व है वो भी काफी वेरी करेगी। और कोई क्वेश्चन? इसमें से नो सर। ओके, तो कुछ टर्म्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है हैक वैल्यू। हैक वैल्यू इज समथिंग जो इट इज एब्स्ट्रैक्ट, मतलब कोई उसकी ऐसे मॉनेटरी वैल्यू की बात नहीं कर रहे हम। हैक वैल्यू मतलब कि जैसे अगर एक हैकर है तो किसी टारगेट को अगर सिलेक्ट कर रहा है कि हाँ मैं ये वेबसाइट हैक करूंगा या ये कंपनी के सिस्टम्स हैक करूंगा, तो उसके एक हैक वैल्यू अगर होगी उस टारगेट की तभी उसको हैक करेगा। मतलब उसको अगर लगेगा कि हाँ मुझे कोई फ़ायदा है इस सिस्टम को हैक करके या इस नेटवर्क को हैक करके, तभी वो उसको हैक करेगा। अब उसको लगेगा कि नहीं कोई फ़ायदा ही नहीं है तो वो कुछ नहीं करेगा, वहाँ पर उसको छोड़ देगा। हैक वैल्यू मतलब कि कुछ मुझे फ़ायदे का, मतलब अगर मैं एक हैकर हूँ, अगर मैं एक अटैकर हूँ, तो अगर किसी चीज़ की कोई हैक वैल्यू नहीं है, मतलब कोई फ़ायदा नहीं है उसको हैक करके, अगर हैक वैल्यू है मतलब कुछ ना कुछ मिलेगा हैक करके, कोई फ़ायदा है उसको हैक करने का, तो दैट इज़ हैक वैल्यू। फिर आता है वल्नरेबिलिटी। किसी भी सिस्टम में अगर मैं कोई ऐसी वीकनेस या कोई ऐसा इशू मुझे मिलता है जिसकी वजह से उस सिस्टम को हैक किया जा सकता है, तो उस वीकनेस को, उस सिक्योरिटी इशू को हम वल्नरेबिलिटी कहते हैं। फिर आता है एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट मतलब कि एक्सप्लॉइट के यहाँ पे दो मीनिंग्स हो सकते हैं। एक तो होता है एक्सप्लॉइट मतलब कि मुझे कोई वल्नरेबिलिटी अगर मिली है और उसको मेरे को उसका इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए जो कोड लिखा हुआ है उस वल्नरेबिलिटी का इस्तेमाल करने के लिए उसको एक्सप्लॉइट कोड कहा जाता है। और वल्नरेबिलिटी का अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ सिस्टम हैक करने के लिए, तो ये भी मैं कहता हूँ कि मैं उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ। तो दो यहाँ पे मीनिंग आ जाते हैं इस टर्म के। फिर है पेलोड। एक्सप्लॉइट कोड जो मैंने मेंशन किया था, पेलोड उसका वो पार्ट होता है जो सामने वाले सिस्टम पे एग्जीक्यूट होता है। जैसे मैंने, मुझे कोई वल्नरेबिलिटी मिली, मैंने उसको एक्सप्लॉइट किया और जो एक्सप्लॉइट कोड था मेरा उसमें साथ में एक पेलोड अटैच्ड होगा कि एक बार वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट हुई और मुझे सामने वाले सिस्टम पे एक्सेस मिला, उसके बाद उस सिस्टम पे जो कोड एग्जीक्यूट हुआ वो हुआ पेलोड। तो हो सकता है वो पेलोड क्या कर रहा हो कि मेरे लिए कोई बैकडोर क्रिएट कर रहा हो सकता है वो पेलोड मुझे सिंपली एक्सेस दे रहा हो, टर्मिनल एक्सेस दे रहा हो, शेल एक्सेस दे रहा हो उस सिस्टम का, हो सकता है कोई फाइल डिस्ट्रॉय कर रहा हो, कुछ भी, मतलब बहुत से यूजेस हो सकते हैं पेलोड्स के, मेलिशियस यूजेस। तो पेलोड वो कोड होता है जो सामने वाले सिस्टम पे एग्जीक्यूट कराते हैं हम जब भी कोई वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट करते हैं। फिर आता है जीरो डे। अभी डॉक्सिंग पे भी आता हूँ मैं, जीरो डे अटैक। ठीक है, जीरो डे अटैक क्या होता है, जैसे मान लो एज एन अटैकर मुझे कोई वल्नरेबिलिटी मिलती है किसी भी सॉफ्टवेयर में या किसी मतलब किसी भी एप्लीकेशन में, और मतलब मैंने ही डिस्कवर की है वो वल्नरेबिलिटी, अभी किसी और को पता नहीं है उसके बारे में, और मैं उस वल्नरेबिलिटी का इस्तेमाल करके हैक कर रहा हूँ या अटैक कर रहा हूँ कोई सा, तो इस तरह के अटैक को हम ज़ीरो डे अटैक कहते हैं। ज़ीरो डे इसलिए क्योंकि इट हैज़ बीन ज़ीरो डेज जब से वो वल्नरेबिलिटी डिस्कवर हुई है, किसी को पता ही नहीं चला ना अभी, तो कहीं रिपोर्ट ही नहीं हुई, किसी को पता ही नहीं है, डेवलपर को, जो सॉफ्टवेयर का डेवलपर है उसको भी नहीं पता है। तो इस तरह के अटैक को जीरो डे अटैक कहते हैं कि जब किसी वल्नरेबिलिटी का इस्तेमाल किया अटैक करने के लिए और उस वल्नरेबिलिटी के बारे में अभी तक डेवलपर को भी नहीं पता है।
क्योंकि अगर डेवलपर्स को पता चलता है कि सिस्टम में कोई वल्नरेबिलिटी है तो वो तो फिर उसके लिए कुछ अपडेट या कोई पैच रिलीज करते हैं और वो फिर वल्नरेबिलिटी पैच हो जाती है तो उसको फिर एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता। लेकिन जब तक या तो वल्नरेबिलिटी के बारे में पता ही नहीं है डेवलपर्स को या फिर कोई एक्सप्लॉइट रिलीज नहीं हुआ उसके लिए, ऐसे टाइम पे अगर वल्नरेबिलिटी को यूज़ करके मैं अटैक कर रहा हूँ उसको जीरो डे अटैक कहा जाता है। तो ठीक है नेक्स्ट। अच्छा डॉक्सिंग पे अगर आते हैं, डॉक्सिंग मतलब कि किसी की पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, मतलब कि किसी के पर्सनल डिटेल्स किसी पर्सन के मैंने ऑनलाइन डाल दिए उसको कहते हैं डॉक्सिंग। अब जैसे क्या होता है, काफ़ी ऐसी सोशल मीडिया साइट्स होती हैं, काफ़ी ऐसी जगह होती है इंटरनेट पे जहाँ लोग एनोनिमस रहना चाहते हैं, ठीक है, अपना नाम नहीं बताते। ऐसी जगह पे अगर मैंने किसी को डॉक्स कर दिया, अगर मैं किसी का नाम वगैरह किसी के पर्सनल डिटेल्स सारे डाल दिए, मतलब सारे रिवील कर दिए, उसको कहते हैं डॉक्सिंग। अब क्या होता है, जैसे डॉक्सिंग एक एग्जांपल में देता हूँ, जैसे ये जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं जो पायरेटेड कंटेंट होस्ट करती हैं, पायरेटेड गेम्स मूवीज सॉफ्टवेयर टूल्स वगैरह जितना भी ये पायरेटेड कंटेंट जो वेबसाइट्स होस्ट करती हैं, अब इनके ओनर्स जो होते हैं जो ये वेबसाइट्स को चलाते हैं मेंटेन करते हैं, ये ऑब्वियसली अपना नाम तो कहीं डालेंगे नहीं सीधे सीधे कि मेरा ये नाम है, मैं इस वेबसाइट का ओनर हूँ, मैं इसको चला रहा हूँ, ये तो ऐसा तो डालेंगे नहीं। तो ये लोग क्या अनोनिमस रहते हैं कि नाम वगैरह अपना कहीं डिटेल्स नहीं डालते, बट ये जो इस तरह की वेबसाइट होती है आपस में अगर इनके झगड़े होते हैं, राइवलरी होती है इनकी, तो ये लोग क्या एक दूसरे को डॉक्स करने की कोशिश करते हैं कि एक वेबसाइट का ओनर दूसरे वेबसाइट के ओनर के पर्सनल डिटेल्स ढूंढ के डाल देता है, नाम वगैरह सब पता करके ऑनलाइन डाल देता है। अब डेफिनेटली ये सब उसने कर लिया तो जो सामने वाला है वो कुछ थोड़ा उसको खतरा हो जाता है क्योंकि पायरेसी वगैरह ऑफ कोर्स इट्स इलीगल, और जो भी कर रहा है इस तरह की चीज़ पायरेटेड कंटेंट होस्ट कर रहा है वेबसाइट पे, वो फिर उसको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए ये लोग क्या है आपस में अगर उनकी झगड़े होते हैं तो ये लोग एक दूसरे को डॉक्स कर देते हैं। तो एक काफी मेजर केस जो डॉक्सिंग का होता है वो ये होता है कि अनोनिमस अगर कोई रहना चाह रहा है इंटरनेट पे उसका पर्सनल डिटेल्स लेकिन हम रिवील करके डाल दें तो उसको डॉक्सिंग कहते हैं। फिर है डेजी चेनिंग। डेजी चेनिंग इज मान लो कि मैंने एक सिस्टम हैक किया और वो सिस्टम क्या एक नेटवर्क का पार्ट है और उस नेटवर्क में और कई सारे सिस्टम्स हैं, तो मैंने क्या किया एक सिस्टम हैक किया। अब डेफिनेटली नेटवर्क में अगर एक सिस्टम हैक किया तो देर इज़ अ गुड चांस कि और जो सिस्टम्स हैं वहाँ पे वो भी या तो उनकी सिमिलर कुछ कन्फिग्रेशन हो या उनको भी हैक करना उस सिस्टम से थोड़ा आसान हो जाए। तो मैंने क्या किया, एक सिस्टम हैक किया, उसकी मदद से दूसरा किया, फिर उसकी मदद से तीसरा किया, चौथा किया, इस तरह से एक चेन बनाता गया मैं सिस्टम्स की जो मैंने हैक किए, तो इसको कहते हैं डेजी चेनिंग। ठीक है, चेन डेजी चेनिंग क्योंकि एक तरह से चेन बना रहे हैं, पहले एक को हैक किया फिर उससे दूसरे को किया तीसरे को किया इस तरह से। फिर आता है बॉट। बॉट मतलब कि कोई ऐसे एप्लीकेशन, कोई ऐसा प्रोग्राम जो एक बार लिख के तुमने और एक बार उसको कोड कर दिया उसके बाद वो अपने आप चलता रहेगा। तो मतलब आजकल क्या है, काफी अटैक्स जो हैं वो बॉट्स ही शुरू करते हैं, मतलब लोग ऐसे बॉट्स बना के छोड़ देते हैं इंटरनेट पे कि वो स्कैन करते रहते हैं टारगेट्स को और वो लोग फिर अटैक करने की कोशिश करते हैं।
अब अगर कोई उनको टारगेट मिल जाता है जो वल्नरेबल है तो फिर वो उसको हैक कर लेते हैं, अदरवाइज वो ढूंढते रहते हैं टारगेट्स। और बॉट का एक और भी वो आता है यहाँ पे, जैसे मान लो तुमने कुछ ऐसा डाउनलोड किया कहीं से, कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, कुछ गेम डाउनलोड किया, टूल डाउनलोड किया कोई, जिसमें कुछ इन्फेक्शन था, कोई मैलवेयर था वहाँ पे, तो फिर ऐसे केस में क्या हो जाता है कि अब जो मैलवेयर था उसने तुम्हारे सिस्टम पे जब वो एग्जीक्यूट हुआ तो जो अटैकर था जिसने वो बनाया है मैलवेयर, उसको तुम्हारे सिस्टम का कंट्रोल दे देगा, तो तुम्हारा सिस्टम उस अटैकर के लिए एक बॉट बन जाता है और वो उसको रिमोटली कंट्रोल कर सकता है। तो एक बॉट का ये भी केस होता है। और एक यहाँ पे और थ्रेट मेंशन है, थ्रेट मतलब जहां तक सिक्योरिटी की बात करें, थ्रेट इज एनीथिंग दैट इज डेंजरस, ठीक है, सिस्टम के लिए। कोई भी हैकर या इस तरह से कोई भी और एंटिटी जो सिस्टम को नुकसान पहुंचा सके, दैट इज थ्रेट। और अटैक, कोई भी अगर अटैक होता है, देखिए छोटी सी इक्वेशन से बनी हुई, अटैक के तीन पार्ट्स होते हैं, गोल, वल्नरेबिलिटी और मेथड। कि अगर कोई अटैक हुआ है तो उसका क्या गोल था, क्यों अटैक हुआ है, जो हैक वैल्यू की हमने बात की थी, अगर किसी चीज़ की कोई हैक वैल्यू नहीं है तो अटैक होगा नहीं उस पर। तो अटैक के पीछे कोई ना कोई गोल होता है हमेशा। फिर वल्नरेबिलिटी, कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी ऐसी मिलती है हैकर को तभी वो अटैक करता है। अगर सिस्टम में कोई भी वीकनेस है ही नहीं कहीं भी, जो कि बहुत ही रेयर चीज़ है, तो अटैक नहीं हो सकता। तो मतलब अगर अटैक है तो उसमें कोई ना कोई एक तो मकसद रहा होगा, गोल रहा होगा, कुछ कोई वल्नरेबिलिटी रही होगी जो एक्सप्लॉइट हुई। और मेथड तीसरी चीज, कि किस क्या मेथड यूज किया अटैक करने, वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट करने के लिए। फिर दो टर्म्स और आती हैं, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और पेनिट्रेशन टेस्टिंग। किसी भी सिस्टम को अगर मैं ये चेक कर रहा हूँ कि उसमें क्या वल्नरेबिलिटीज हैं, ठीक है, एट दिस पॉइंट मैं उन वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ देख रहा हूँ सिस्टम में क्या वल्नरेबिलिटी है। तो अलग अलग तरह के स्कैन्स उस पर चला के मैं वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कर रहा हूँ, क्या वल्नरेबिलिटी प्रेजेंट है सिस्टम में मैं देख रहा हूँ। तो इसको कहते हैं वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, सिंपली ये देखना कि सिस्टम में क्या वल्नरेबिलिटीज प्रेजेंट है। मैं उन वल्नरेबिलिटीज को यहाँ पे एक्सप्लॉइट नहीं करूँगा। पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो नेक्स्ट टर्म है, इसमें इस मेरा गोल ये होता है कि सिस्टम को मैं एज एन अटैकर, ठीक है, एक अटैकर के नज़रिए से उसको देखूं और हैक करने की कोशिश करूं। कोई भी वल्नरेबिलिटी मिलती है उसको एक्सप्लॉइट करूं, देखूं कि किस तरह से सिस्टम को हैक किया जा सकता है, ताकि फिर कोई एक्चुअल अटैकर के अगेंस्ट सिस्टम को सिक्योर किया जा सके। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग मतलब ज़्यादा इनडेप्थ प्रोसेस होता है, उसमें मैं एक्चुअली एक एक चीज़ हैक करके देख रहा हूँ, मैं अटैक करके देख रहा हूँ सिस्टम को, कोई वल्नरेबिलिटी मिली तो मैं उसको एक्सप्लॉइट भी कर रहा हूँ। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग थोड़ा प्रॉपर इनडेप्थ प्रोसेस है। एथिकल हैकर्स जो है, मतलब एथिकल हैकर क्या, मेनली पेनिट्रेशन टेस्टिंग ही मेन काम होता है एथिकल हैकर्स का, ठीक है। एथिकल हैकिंग का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, दैट इज पेनिट्रेशन टेस्टिंग। अच्छा, अभी तक कोई भी क्वेश्चन इसमें से जो कवर किया? सर एक बार वल्नरेबिलिटी रिपीट कीजिए ना। वल्नरेबिलिटी या वल्नरेबिलिटी असेसमेंट? वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी, ओके, ठीक है। वल्नरेबिलिटी मतलब जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ किसी सिस्टम में, किसी नेटवर्क में कोई वल्नरेबिलिटी है, मतलब कि
कोई उसमें ऐसी कमी है, कोई वीकनेस है, कोई फ्लॉ है, ऐसा कोई लूप होल है सिक्योरिटी के रिलेशन में, जिसका इस्तेमाल करके मैं उस सिस्टम को हैक कर सकता हूँ। तो वल्नरेबिलिटी मतलब कोई सिक्योरिटी वीकनेस जो सिस्टम में एग्जिस्ट कर रही है, या तो उसके कोड में कुछ गड़बड़ है, या जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया है उसमें कुछ इशू है, या मान लो सिस्टम को कन्फिगर इस तरह से किया है कि वो वल्नरेबल है, तो इस तरह की किसी भी चीज़ को हम वल्नरेबिलिटी कहते हैं। किसी भी ऐसी सिक्योरिटी फ्लॉ, कोई भी ऐसा वीकनेस जो मैं हैक कर पा, जिसकी वजह से मैं हैक कर पा रहा हूँ सिस्टम को। ठीक है, ओके। तो अच्छा, ये डिफरेंस क्लियर है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और पेनिट्रेशन टेस्टिंग का? यस यस ओके। ठीक है, तो एक और जो चीज हम डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं, दैट इज सिक्योरिटी पॉलिसीज। से हर कंपनी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में अपनी एक सिक्योरिटी पॉलिसी होती है जो फॉलो होती है। ठीक है, और मतलब उसमें होता है कि बेसिकली उसका पर्पस ये होता है कि कंपनी का डेटा और कंपनी के एसेट्स, मतलब कंपनी के रिसोर्सेज को सिक्योर रखना। तो उसमें एम्प्लॉयज़ वगैरह के लिए, सबके लिए गाइडलाइंस होती हैं कि क्या गाइडलाइन फॉलो करनी है, और वो पॉलिसी उस तरह से काम करती है कि जो भी उसमें गाइडलाइंस हैं सब एम्प्लॉयज फॉलो करते हैं, ताकि कंपनी का डेटा सिक्योर रहे, कंपनी के जो रिसोर्सेज हैं, सिस्टम्स, एसेट्स हैं, वो भी सिक्योर रहे। तो लेकिन अब पॉलिसीज क्या है, अलग अलग तरह की होती है बेस्ड ऑन कितनी स्ट्रिक्ट है वो पॉलिसी। यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं उस चीज़ की, तो चार तरह की क्लासिफिकेशन दी हुई हैं बेस्ड ऑन कि पॉलिसी कितनी स्ट्रिक्ट है। तो सबसे पहली जो है पॉलिसी, पहली टाइप ऑफ पॉलिसी, वो है प्रोमिस्कुअस पॉलिसी। मतलब बहुत ही एकदम ही लीनियंट पॉलिसी है ये, और इसमें बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन नहीं है सिस्टम रिसोर्सेज यूज़ करने पे, इंटरनेट यूज़ करने पे। मान लो कि अगर, चलो इंटरनेट के ऊपर बात करें, तो कोई भी वेबसाइट आप एक्सेस कर सकते हो, एंड सिस्टम में भी कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो सकती है, कुछ भी रिस्ट्रिक्शन लगाया ही नहीं हुआ यूजर्स पे। मतलब ये तो पॉलिसी ना होने के बराबर है ऑलमोस्ट। फिर आती है परमिसिव पॉलिसी। ठीक है, परमिसिव पॉलिसी मतलब कि मेजॉरिटी सर्विसेज, मेजॉरिटी वेबसाइट्स जो हैं अलाउड हैं लोगों के लिए, बट सिर्फ कुछ नॉन ऐसी डेंजरस सर्विसेज या डेंजरस वेबसाइट्स ब्लॉक्ड हैं, अदरवाइज एवरीथिंग इज एक्सेसिबल। ठीक है, कुछ भी उसमें नॉर्मल कर सकते हो, बस कुछ जो पता है कि हाँ ये वेबसाइट या ये सर्विस या ये एप्लीकेशन ये डेंजरस है, हार्मफुल है सिस्टम के लिए, या यहाँ से कुछ मालवेयर इन्फेक्शन आ सकता है, या अच्छी वेबसाइट नहीं है, तो वो सब ब्लॉक्ड है, अदरवाइज एवरीथिंग इज अलाउड, उसको कहते हैं परमिसिव पॉलिसी। तो मोस्ट स्टफ इज अलाउड यहाँ पे, बट ओनली नॉन डेंजरस थिंग्स जो है वो ब्लॉक्ड होती हैं। फिर प्रूडेंट पॉलिसी आते हैं, ये थोड़ा ज्यादा और स्ट्रिक्ट होती है। इसमें ज़्यादातर चीज़ें ब्लॉक्ड हैं, सिर्फ जो पता है कि सेफ सर्विसेज हैं या जो नेसेसरी है, जो एकदम ही ज़रूरी है काम करने के लिए, वो अलाउड है। बाकी ज़्यादातर चीज़ें, मेजॉरिटी सब ब्लॉक्ड है। और लास्ट होती है पैरानॉइड पॉलिसी। पैरानॉइड पॉलिसी मतलब कि सब कुछ ही ब्लॉक्ड है, कोई इंटरनेट कनेक्शन भी या तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं होगा, या बहुत ही लिमिटेड उसका यूजेज होगा। जैसे जो प्रोडक्शन सिस्टम्स होते हैं, जो मशीन्स होती हैं फैक्ट्रीज़ में, वहाँ पे इस तरह की पैरानॉइड पॉलिसी फॉलो होती हैं, या फिर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ पे इस तरह की पैरानॉइड पॉलिसी फॉलो होती है। बाकी ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में, कॉरपोरेशंस वगैरह में, परमिसिव और प्रूडेंट में से कोई एक फॉलो होती है, अलग अलग का अलग अलग होता है, अलग अलग कंपनी का। और प्रोमिस्कस तो बेसिकली मतलब उसका कोई यूज़ है नहीं खास, तो नो पॉलिसी के बराबर है। तो जहाँ बिल्कुल ही किसी को परवाह ही नहीं है सिक्योरिटी की, वो लोग इस तरह की पॉलिसी लगाते हैं। फिर
जब हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग की बात करते हैं तो एक और कंसेप्ट आता है रेड टीम और ब्लू टीम का, ठीक है। मान लो कि एज अ कंपनी मुझे अगेन टेस्ट करना है अपने सिस्टम के जो है सिक्योरिटी, तो मैं एक टीम हायर करूंगा पेनिट्रेशन टेस्टर्स की, और वो लोग रेड टीम मतलब दे विल बी द रेड टीम जो अटैक करने की कोशिश करेंगे मेरी कंपनी को, मेरे सिस्टम्स को, और जो सिक्योरिटी स्टाफ है, जो सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो मेरे सिस्टम्स को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। तो रेड टीम और ब्लू टीम ये कंसेप्ट आ जाता है, जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं वो रेड टीम वाले हो गए, और जो ब्लू टीम मतलब जो डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, तो दोनों टीम्स एक दूसरे के अगेंस्ट काम करती हैं, होता है कंसेप्ट रेड टीम और ब्लू टीम का। ठीक है, तो इसमें कोई क्वेश्चन? नो सर। तो जो पहला हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्टरी, तो उसमें जितने भी हमें टर्म्स डिस्कस करनी थी वो यहाँ पे कर चुके हैं हम। अब जब प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो इस टॉपिक में तो कुछ प्रैक्टिकल नहीं है, तो सारी डिस्कशन है, लेकिन थ्रू आउट द कोर्स जो भी हम प्रैक्टिकल करेंगे वो हम काम करेंगे लिनक्स पे। तो तुम लोग लिनक्स से फेमिलियर हो? लिनक्स यूज़ किया है यहाँ पे किसने? नो सर, नहीं यूज़ किया। ओके, विंडोज़ ही मतलब यूज़ करते हो मेनली ना? अभी तक मेनली विंडोज ही यूज करते हो सब लोग? यस। ओके, तो लेकिन जब भी हम एथिकल हैकिंग की बात करते हैं तो मेनली हम लिनक्स को यूज करते हैं। अब पहली बार अगर लिनक्स यूज कर रहे हो तो आई वुड रिकमेंड कि उसको वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल करो। मैं एक काम करता हूँ, एक दो लिंक्स देता हूँ आप लोगों को। और लिनक्स का भी कौन सा वर्जन हम यूज़ करते हैं? काली लिनक्स यूज़ होता है इसमें। एक और भी ऑल्टरनेटिव अभी रिसेंट कुछ एक दो सालों में आया, पैरट ओएस या पैरट लिनक्स, वो भी यूज़ कर सकते हो। और इसको क्या है, एज अ वर्चुअल मशीन डालना है, मतलब मेन जो तुम सिस्टम यूज़ कर रहे हो, जैसे मान लो विंडोज़ चल रहा है तो उसी में विंडोज के ऊपर ये चलेगा एज अ सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ड्यूअल बूट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बूटेबल पेन ड्राइव में डाल के वो कोई सिस्टम नहीं। नहीं, पेन ड्राइव में डालने की पेन ड्राइव तो जरूरत ही नहीं है। नहीं, बूटेबल पेन ड्राइव बनाने की वो ऐसा कुछ था। नहीं, बूटेबल पेन ड्राइव की जरूरत नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूँ। बूटेबल पेन ड्राइव की जरूरत होती है जब या तो तुम्हें ड्यूअल बूट के लिए इंस्टॉल करना है, या फिर अगर लाइव उसको चलाना है सिस्टम पे। मैं वो चीज़ नहीं कह रहा, मैं वर्चुअल मशीन बनाने की बात कर रहा हूँ। मतलब वर्चुअल मशीन क्या होता है कि जो मेन तुम्हारा सिस्टम चल रहा है उसको होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं इसमें, और उसके ऊपर एज अ गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एक मशीन चलती है। तो वर्चुअल मशीन जो है वो भी एक अलग मशीन हो जाती है अपने आप में, ठीक है। प्रॉपर उसको सारा उसका प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क स्पेस सारा वर्चुअलाइज्ड उसको प्रोवाइड होता है। तो जो सिस्टम चलता है उसको लग रहा है मैं एक कंप्लीट एक सेपरेट कंप्यूटर ही अपना चल रहा हूँ, उसको ये नहीं पता कि हमने उसको एज अ वर्चुअल मशीन रन किया। तो हम लिनक्स को फर्स्ट टाइम अगर यूज कर रहे हो डेफिनेटली वर्चुअल बॉक्स एज अ वर्चुअल मशीन ही यूज करो, ठीक है। तो मैं एक दो लिंक्स दे देता हूँ, यहाँ पे पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसीजर जो है बताया हुआ है उसने कि किस तरह से इसको अपने सिस्टम में डाला जाए। और जो लिनक्स के बेसिक्स की कैसे यूज करते हैं अपन, क्या क्या करते हैं मेनली, वो सब मैं यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। प्रॉपर यहाँ पे मैं बताऊंगा पूरा।
तुम्हें यहाँ पे दो लिंक्स डालें कि वर्चुअल बॉक्स में कैसे इंस्टॉल करते हैं काली लिनक्स को। तो इसको इंस्टॉल करो अपने सिस्टम्स में, और कल जो है अपन लिनक्स के जो बेसिक्स की कैसे करते हैं, बेसिक कमांड्स क्या यूज़ करते हैं वो सारा देखेंगे। कोई इसमें अगर इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो बताना, पर ये इंस्टॉल करना, तो अगर प्रैक्टिकल करना चाहते हो साथ में, जो भी मैं कराऊंगा खुद से ट्राई करना है, तो ये तो ज़रूरी है, डालना पड़ेगा, क्योंकि विंडोज़। हाँ बोलो। सब पीसी में करना है ना इंस्टॉल? हाँ, पीसी लैपटॉप जो भी है तुम्हारे पास जिसमें भी ज़्यादा रैम हो उसमें करना। ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि विंडोज़ में क्या है कि जो भी हमें यहाँ पे टूल्स चाहिए उसमें से काफ़ी तो ऐसे हैं जो विंडोज़ के लिए आते ही नहीं हैं, और जो आते हैं विंडोज़ के लिए उनमें भी फिर कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी होती है जो कि लिनक्स पे ही काम कर रही है, विंडोज़ पे वो चीज़ काम नहीं कर रही, इसलिए लिनक्स यूज़ होता है इस पूरे उसमें। प्रैक्टिकल जितना भी काम है मोर देन 90% हम इसमें लिनक्स ही यूज़ करते हैं, बीच में कुछ एक दो चीज़ विंडोज़ पे देखेंगे, बाकी सारा लिनक्स है। तो अगर लिनक्स तुमने पहले कभी यूज़ नहीं किया तब भी उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं पहले कल जो नेक्स्ट जो सेशन है उसमें यही कराऊंगा कि बेसिक क्या करना है, कैसे यूज़ करना है, कैसे उसमें वर्क करते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट उस पर टॉपिक पे जाएंगे। ओके और सर, एक और चीज़ है, ठीक है, तो अपन फिर कल मिलते हैं, आगे इसको करते हैं, लिनक्स थैंक पे यू सर, काम करते हैं कल। थैंक यू सर। ओके। तो अभी मैं ऑफ कोर्स ओपन रख रहा हूँ मीटिंग को कुछ देर के लिए, ताकि लिंक्स अगर अभी नहीं कॉपी किया तुमने तो कर लो, तो थोड़ी देर के लिए ओपन रख रहा हूँ मैं इसको। सर फर्स्ट लिंक वाला डाउनलोड करना है या सेकंड लिंक वाला जो आपने सेकंड लिंक है वो? दोनों ही मतलब काली के इंस्टॉलेशन के लिए हैं, और वर्चुअल बॉक्स पे मेनली कंटेंट तो सेम है, मैं बस दो लिंक्स दिए इन केस कोई वो होता है, सेम ही चीज़ है दोनों में, कुछ ऐसे वो नहीं है। ओके सर। ठीक है, पहले वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करना होगा, उसके अंदर फिर काली लिनक्स इंस्टॉल होगा। सर मतलब कभी कभी वर्चुअल बॉक्स काम नहीं करता ना? कभी कभी काम नहीं करता इन किस उसमें कह रहे हो, सर मैंने फोन में एक बार लिया था वर्चुअल बॉक्स। फोन में हाँ मतलब इसमें? वो अलग पर्पस के लिए। अच्छा, फोन में तो यार मत ही करो उसको, इसमें लैपटॉप या उसमें करो, डेस्कटॉप पीसी में। अच्छा, और एक चीज और है कि अगर तुमने पहले कभी भी वर्चुअलाइजेशन नहीं किया अपने सिस्टम पे, वर्चुअल बॉक्स नहीं यूज़ किया, तो उसकी जो वर्चुअलाइजेशन सेटिंग है वो ऑफ होती है बाय डिफॉल्ट सिस्टम की, बायोस में जाके उसको चेंज करना पड़ता है। तो तुम्हारा जो भी डेस्कटॉप पीसी है या लैपटॉप है उसके बायोस में जाके वर्चुअलाइजेशन वाली सेटिंग ऑन करनी पड़ेगी, अगर पहले कभी वर्चुअलाइजेशन यूज़ नहीं किया।
ठीक है, तो ये चीज ऑफ कोर्स तुम कभी भी कर सकते हो, इंस्टॉल करने से पहले करो बाद में करो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, पर अक्सर क्या होता है अगर वर्चुअलाइजेशन टर्न्ड ऑफ है, अक्सर क्या मतलब हमेशा यही होगा कि अगर वर्चुअलाइजेशन टर्न्ड ऑफ है तो जब तुम वर्चुअल मशीन स्टार्ट करने की कोशिश करोगे तो वो एरर देगा। तो इसलिए एक बार या तो जब भी करो इंस्टॉल करने के बाद या इंस्टॉल करने के पहले बायोस सेटिंग्स में जाके वर्चुअलाइजेशन ऑन ज़रूर कर देना, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 90% मोर देन 90% मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उसको ऑफ रखते हैं। ओके सर, हमारे जो भी मेट्स हैं उनके व्हाट्सएप नंबर लिस्ट पे हैं ताकि कल को कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हम कांटेक्ट कर सकें उनको। हाँ पहले वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद कल उसके लिनक्स। बाद फिर काली लिनक्स। हाँ वर्चुअल बॉक्स तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा वो है सॉफ्टवेयर। चलो ठीक है, फिर अपन कल मिलते हैं।